चाहे गड्डियां होन या चाहे कपड़े होन या कोई होर चीज होवे, हर एक चीज का एक लग्जरी वर्जन जरूर होंदा है जिहड़ा कि दो बंदे दे कम आउंदा है। एक तो उन्होंने जिन्हों को पैसे बहुत होंदे आ उन्होंने वधिया फील कराने लई, अबव एवरेज फील कराने लई, ते दूजा पंजाबी सिंगर दे ऑफकोर्स अपने गाने च यूज करने लई। सो टूडे आई एम रिव्यूइंग अंकल टोनी बियर्ड ऑयल जिहदी कीमत नॉर्मल बियर्ड ऑयल नालों 4 गुना ज्यादा आ। एंड सो वी विल सी कि इहदा जिहड़ा कम आ इहदे प्राइस नूं जस्टिफाई करदा भी आ कि नहीं। सत श्री अकाल सारों, दिस इज बलविंदर सिंह हेयर बैक विद येट अनदर वीडियो। सो टुडेज वीडियो इज अबाउट दिस बियर्ड ऑयल बाय द ब्रांड अंकल टोनी। सो जो भी कोई चीज़ थानू मिलती है डिलीवर होंगी है, सब तो पहला इंप्रैशन होंगे आ कि वह चीज़ दिखती किमें और चीज़ थानू मिली किमें, प्रेजेंट किमें की गई है, विच लीड्स टू अवर फर्स्ट पॉइंट प्रेजेंटेशन। वैल जो ये बॉटल डिलीवर हुई थी तो ऐसा कोई भी बॉक्स नहीं सी, ऐसा ही डिलीवर हुई थी ये बॉटल। एंड आई थिंक इट्स इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। बाकी बॉटल जी मेटल की बनी हुई है, नॉर्मली जो बियर्ड ऑयल की बॉटल्स ने प्लास्टिक या फिर ग्लास की बनी होंगे ने, बट ए फर्क तो कोई नहीं पैदा, बट हाथ से फड़ी हुई थोड़ी वधिया लगती है। एंड बॉटल का डिजाइन भी काफ़ी मिनीमल आ, कोई ज़्यादा फैंसी कुछ वर्क नहीं है, और यदा लोगो मैं समझ नहीं आया। एंड हेयर इट इज मेड इन फ्रांस एंड दैन डायरेक्शन ब्ला 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 ईमेल आई डी इम्पोर्टर एंड दैन इनग्रीडियंट्स which leads to second point ingredients. All right now ida pehla ingredient aa helianthus anus. Anus bro I only know one anus and I don't think it can go well with beard oil. Helianthus anus. Okay, anus, it's sunflower oil. So yeah, simple karte hain. Agla ingredient coco caprylate for moisturizing and softening the skin, not for the beard but the skin. Well, the next one is dodecane. It is used to improve the texture of the oil and you know moisturizer, as a moisturizer bhi kaam aunda hai. Well, undecane use kita janda hai taki oil easily apply ho jaye and quickly absorb ho jaye, and a silicone da alternative bhi hai. Okay, now agla caprylic triglyceride. इन्हें यूज करते हैं, यह बनता है कोकोनट ऑयल प्लस ग्लिसरीन नाल, एंड यूज किया जाता है स्किन स्मूथ रखने प्लस इट इज इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर सम टाइम। नाउ अगला ओलिक पॉलीग्लिसराइड्स, यह सनफ्लावर ऑयल नाल बने होंगे है एंड इन यूज किया जाता है ग्लॉस लेकर थोड़ी शाइन प्रोवाइड करने लिए। नाउ नैक्सट इनग्रीडियंट इज ट्राइडिकेन, ये बारे बहुत सर्च किया कुछ नहीं मिले। नैक्सट वन इज स्वीट आलमंड ऑयल, अगेन आलमंड ऑयल इज गुड, विटामिन ई गुड फॉर स्किन गुड फॉर बियर्ड। रिसिनस कैस्टर सीड ऑयल, कैस्टर ऑयल इज ऑल्सो रिच इन विटामिन ई एंड अदर इंग्रीडियंट्स विच आर गुड फॉर बियर्ड। सीसम सीड ऑयल वो भी बियर्ड लिए वधिया, अगेन ये चीज़ें नॉर्मल बियर्ड ऑयल्स भी अवेलेबल होंगे। नाउ एलेरिया एसिलेंथा एक्सट्रैक्ट, इट इज नैचुरल गुड फॉर स्किन, एंटी ऑक्सीडेंट आ और एंटी एजिंग भी है, मतलब अपनी स्किन लिए एज एन एंटी एजिंग एजेंट काम करेगा। नाउ द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज ट्रोकोफ्योरोल, इज विटामिन ई मैन, सीधा सीधा लिखा नहीं कुछ भी है। एंड अनदर वन स्क्वालेन, स्क्वालेन जो है वह नैचुरल ऑयल है जी साड़ी स्किन नैचुरली भी प्रोड्यूस होंगे है, बट इन्ना ज़्यादा अमाउंट से नहीं प्रोड्यूस होंगे। यदा काम है हाइड्रेशन प्रोवाइड करना, मॉइस्चराइज करना स्किन नू बियर्ड नू, एंड जो स्प्लिट एंड्स होंगे दो मूहे वाल जोड़े उन्होंने खत्म करना प्रिवेंट करना होना। ओके नाउ द नेक्स्ट वन परफ्यूम फॉर फ्रेगरेंस, एंड अगला सिट्रल जिहड़ा नींबू और संतरे दे तो जो आपां उहदा छिलका निचोड़ने दबाने तो उहदे चों जिहड़ा निकलदा आ इट इज सिट्रल, इट इज ऑल्सो फॉर फ्रेगरेंस परपजिज। लिमोनीन ये भी खुशबू लई, और लिमोनीन एज अ सॉल्वेंट भी यूज किया जाता है ताकि जो अलग अलग इनग्रीडियंट्स यूज किए गए वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। And then comes linalool, which is also used for fragrance. Okay, मतलब सीधा सीधा कुछ नहीं पाया हुआ, हर एक चीज़ किसी ना किसी तो एक्सट्रैक्ट करके पाई हुई है, और जेड़ी चीज़ सीधी पाई हुई है वह ना ही सीधा लिखा हुआ है, बड़े लोग बड़िया गल्ला। ओके, बाकी इनग्रीडियंट लिस्ट वधिया सीगी, कोई भी खराब इनग्रीडियंट या फिर खराब कैमिकल्स या प्रिजर्वेटिव नहीं पाए हुए ये फॉर इनग्रीडियंट्स थम्स अप। ना अगली गल करते हैं आपां फ्रैगरेंस दी। सो जदों बोटल नूं ओपन करदे ना तां यू आर वेलकम्ड बाय दिस
स्वीट सटल सिट्रस फ्रैगरेंस, मतलब कोई ज़्यादा तेज़ भी नहीं हैगी फ्रैगरेंस, तो ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं हैगी। यू नो एक होंगी ना जिमें शोशेबाजी बहुत ज़्यादा तेज फ्रैगरेंस, एक होंगी क्लासी, इट इज क्लासी फ्रैगरेंस, कोई शोशेबाजी वाला काम नहीं है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एफिशियंसी। जो एफिशियंसी की गल करिए तो मैं बियर्ड ग्रोथ को कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि वो फिर लंबे टाइम लिए टेस्ट करना पैंता है किसी चीज़ को। एंड मोर ओवर बियर्ड ग्रोथ लिए सिर्फ बियर्ड ऑयल ही नैसेसरी नहीं होता, वो होर भी काफ़ी फैक्टर्स इनवॉल्व होंगे। नाउ एफिशियंसी मैं गल करूँगा सॉफ्टनेस की और शाइन की। वैल लगाने तो बाद जी सॉफ्टनेस और शाइन है वो डेफिनेटली जो नॉर्मल बियर्ड ऑयल ने उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा ही आ। जब तुम लगाते हैं ना, अगर तुम पहला नॉर्मल बियर्ड ऑयल लगाते थे और वो बाद स्विच किया तो फील होगा कि कोई वधिया चीज़ लगाई गई है ना, इट फील्स रियली नाइस। फाइनल वर्डिक्ट, वैल मुद्दे की गल है कि दिस इज रियली बैटर, ये सच्ची नॉर्मल बियर्ड ऑयल्स नालों वधिया आ, काफ़ी वधिया काम करता है। आई मीन इनग्रीडियंट्स वधिया ने, एफिशियंसी वधिया आ, बट कि अपने चार गुना प्राइस में जस्टिफाई करता है। वैल अगर यदा प्राइस डबल होंदा नॉर्मल बियर्ड ऑयल्सों इट वुड हैव बीन बैटर। कि मैं इन दोबारा बाय करूँगा, वैल जो बजट होया तो जरूर बाय करूँगा। आई मीन हू डजंट लव्स लग्जरी, एंड जो सिर्फ इसलिए खरीदना है कि ये इन्ना वधिया काम करता है बाकियों तो आई डोंट थिंक आई विल बाय दिस, क्योंकि मैं दूजे नाल भी आई कैन लिव इन नॉर्मल बियर्ड ऑयल, वो भी वधिया काम करते हैं। बाकी ये है कि अगर हाँ ऐसा हैगा तो वाई नॉट। सो आई होप कि रिव्यू वधिया लगे होगा, एंड जो वीडियो वधिया लगी है तो मेक श्योर गिव इट अ लाइक, एंड अगर चैनल का कंटेंट वधिया लग रहा, अच्छा लग रहा तो थोड़ी जी सपोर्ट बनती है। मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन। So yeah, this was it for today's video. See you in the next one. Till then, stay home, stay safe. Kisan Mazdoor Ekta Zindabad. Sat Shri Akal.